तो सबसे पहले मैं अपना सेटअप तैयार करता हूँ। आज मैं आपको गूगल सर्च में एड्स कैसे अपीयर होते हैं, अपनी वेबसाइट का ऐड कैसे करेंगे गूगल की सर्च में, जो कि आपको ट्रैफिक बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल एड्स सर्च करेंगे गूगल पे, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट भी खोल सकते हैं इसका। आप वीडियो में जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करिए। यहाँ आप साइन इन कर सकते हैं या आप नया साइन अप कर सकते हैं, जिसमें ये आपको बोल रहा था कि 2000 ऐड क्रेडिट भी देगा, जो कि देता है। मेरे मल्टीपल अकाउंट है इसलिए ये आ रहा है, अदरवाइज जब आप साइन अप करेंगे तो आपको अलग दिखाई देगा। ये इसका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ये कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड रहता है। ये एरर आ रहा है क्योंकि इसमें मेरा पेमेंट खत्म हो गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी 3-4 कैंपेन्स हैं, जो कि एक ग्रीन साइन वाला अभी चालू था। मैं इसको पॉज कर देता हूँ। आपको ये ब्लैंक दिखेगा तो आप प्लस पे जाके न्यू कैंपेन पे क्लिक करिएगा। जरा सी इंटरनेट की समस्या है। ये इन्होंने अपडेट करा है कि एक एक्सेलरेटेड मोड से हटा के सेट करना है। तो हम प्लस पे जाएंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेल्स बढ़ाने के लिए, लीड्स जेनरेट करने के लिए, वेबसाइट ट्रैफिक जो कि हम करने वाले हैं, कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ ऐप प्रमोशन भी है, ब्रांड अवेयरनेस रीच भी है। तो हम वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं और सर्च है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है। मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स में बताऊंगा। आज अपना टॉपिक है सर्च की, अपना गूगल एड जो है वो सर्च वाले में करें। तो हम सर्च पर क्लिक करेंगे। अब जिस भी वेबसाइट का अपने को ऐड करना है, मतलब जो ट्रैफिक जहां उसी वेबसाइट पे जाए, इसलिए हम उसको, हमारा ये यूआरएल है मैंने लिख दिया यहाँ पे, मतलब वेबसाइट का यूआरएल या फिर ब्लॉग का यूआरएल, किसी भी चीज का यूआरएल आप वहां पर डाल सकते हैं। अब ये कैंपेन नेम पूछ रहा है तो कैंपेन का नाम हम यहाँ पे डालेंगे। ये अब आपके मल्टीपल कैंपेन होंगे तो उसमें आइडेंटिफाई करेगा। अब जैसे था वो ऊपर वाला ऑप्शन वैसे ही रहने दें। इसके अंदर एडवांस ऑप्शन है, स्टार्ट डेट एंड डेट पूछ रहा है, ये आप सेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दिया है। इसके नीचे आपको मिलेगा कि लोकेशन कहाँ कहाँ आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में चलाना है तो ऑल कंट्रीज पे सेलेक्ट करेंगे, इंडिया के लिए इंडिया पे, और अनदर लोकेशन जैसे पर्टिकुलर मेरे को एक सिटी या पर्टिकुलर कंट्री में चलाना है तो उसका नाम डालेंगे। अब टारगेट में तो उसी इसमें चलेगा और नियर बाई में उसके आसपास में चलेगा, जैसे मैंने दिल्ली और जयपुर सेलेक्ट कर लिया है यहाँ। तो अभी मैं लीव करता हूँ, सिर्फ मेरे को पूरे इंडिया का चलाना है। तीन ऑप्शन है यहाँ पे, पीपल इन, हु शो इंटरेस्ट इन। ये सारा इसलिए है कि ये ऑप्शन ऑटोमेटिक समझिए, ये लैंग्वेज है अपना, कौन से लैंग्वेज में सेलेक्ट, कौन से लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं। मैंने ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करा है। ये अब ऑडियंस पूछ रहा है आपसे कि आप किनको किनको टारगेट करना चाहते हो। तो सपोज ये मैं मूवी वाले टारगेट करना है मेरे को, मूवी की जो इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, तो मैंने यहाँ पे मूवी टाइप करा। इसमें जैसे पर्टिकुलर आपको हॉरर मूवी करना था तो उसमें आप हॉरर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली वो डालना है कि आप किस टाइप के ऑडियंस जो है खोजना चाहते हैं आप अपने ऐड के थ्रू। ये ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा। ब्राउज में जाएंगे, जैसे मान लो मैरिड है, नहीं मैरिड है, तो एजुकेशन कहाँ तक अन्य करी है, इंटरेस्ट किस में है, किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें एफिनिटी ऑडियंस के थ्रू आप देख सकते हैं। इन मार्केट में
इंडस्ट्री के हिसाब से वो कौन सी चीज ज्यादा पसंद करते हैं, कौन सी चीज से शॉपिंग वगैरह करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ये आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। और उसके अंदर ब्राउज है, ब्राउज आपके ऑप्शन नहीं आएगा, वो मेरे में आ रहा है। ब्राउज को आप छोड़ दीजिए। अब इसमें मैंने मूवी लवर्स को टिक कर लिया। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे, टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन। टारगेटिंग मतलब उन्हीं लोगों को सिर्फ दिखेगा, ऑब्जर्वेशन का मतलब उनके अलावा भी लोगों को दिख सकता है, बस इसमें कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। अब रहा अपने पास बजट, बजट मैंने 500 डाल दिया। मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने लिंक पे क्लिक करवाना है और मैंने यहाँ पे मैक्सिमम, ये ऑप्शनल है, अब डाल दो या ना डालो कोई दिक्कत, मैंने 5 रुपये एक क्लिक पे मैंने लगा दिया। कन्वर्जन एड स्केड्यूल आप सेट कर सकते हैं, कन्वर्जन रहने दीजिए, एडवांस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये एक्सटेंशंस वगैरह आप में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप में जनरली नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक्सटेंशन अलग से सेट करना पड़ेगा। मैंने वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में बताया कि कैसे आपको कॉल एक्सटेंशन सेट करना है। एड ग्रुप, अब कई तरह के एड्स दिखेंगे आपके एक ही कैंपेन के अंदर, एक ही चीज से रिलेटेड, तो वह एड ग्रुप, ग्रुप का नाम दे दीजिए और यहाँ पे कीवर्ड्स डालिए कि इन इन कीवर्ड्स को अगर लोग सर्च करेंगे तो आपका एड दिखेगा। जैसे मेरे को न्यूज टुडे, इन डे न्यूज, इस टाइप का मैंने डाल दिया है इसमें। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हैं, आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं कीवर्ड बॉक्स में जाकर कि कौन सा कीवर्ड आपको डालना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप कोई एक कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट है कि वहां से आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, उनने कौन कौन से कीवर्ड्स लगा रखे हैं। जैसे मैंने मूवी से रिलेटेड ये वेबसाइट का मैं प्रमोशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने सर्च करा मूवी रिव्यू, सबसे टॉप पे आया है इंडिया टाइम्स का, तो इसका यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया और इसके थ्रू मेरे को आइडिया मिल गए, कीवर्ड्स के आइडियाज मिल गए कि यहाँ मैं कीवर्ड्स डाल सकता हूँ, कौन कौन से कीवर्ड्स डालने हैं, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो वो आप एड ऑल आइडिया जितना क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए सेव करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखिए कुछ इस टाइप का एड का प्रीव्यू आएगा आपका। अब इसमें मैंने हेडलाइन में डाल दीजिए, 2-3 हेडलाइन आप डाल सकते हैं, जैसा मैंने स्टेप फॉलो करा, आप अपनी वेबसाइट या अपने कैंपेन के लिए वैसे ही स्टेप फॉलो करें। जैसे मैंने ये डाल दिया, गेट लेटेस्ट मूवी रिव्यू। अब डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा आपको, और ये इस टाइप से ऐड दिखेगा आपके। आप अगर एक चीज ध्यान देंगे तो नीचे कॉल वाला आ रहा है, वो एक एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन कैसे सेटअप करते हैं, ये मेरा ऑटोमेटिक सेटअप था, इसको कैसे सेटअप करते हैं वो मैं बताऊंगा। और गेट कोटेशन सर्विस वाला भी आप वहीं से कर सकते हैं। ये गेट कोटेशन और सर्विस जो है साइट लिंक एक्सटेंशन है कि आपकी वेबसाइट पे 2-3 इंपॉर्टेंट URL आपने उसके डाल दिए। तीसरा जो कॉल वाला है वो कॉल एक्सटेंशन है, ये इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो उसमें मैं आपको बताता हूँ। इसको एज इट इज रहने दीजिए, इस पे अपन सेव करते हैं। ये कुछ इस टाइप का एड प्रीव्यू दिखेगा आपको। अब थोड़ा सा इसमें बहुत सारे आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं, मैंने एक सिंपल एड क्रिएट करके आपको बताया है, आप अपने हिसाब से एड सेट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये कैंपेन रेडी हो चुका है, हम कैंपेन पे कंटिन्यू करें। अब ये देखिए एलिजिबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है और आप ऊपर जाएंगे तो एलिजिबल लर्निंग दिखा रहा है, ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो इट मीन्स आपका कैंपेन एलिजिबल तो है, लेकिन लर्न कर रहा है कि आपने जितने पैसे दिए हैं इसको, इस कैंपेन में, जैसे अपन ने 500 रुपये डाला है इसमें, तो वो आपको उस हिसाब से रन कर रहा है, वो सोच रहा है कि इन 500 रुपये को मैं कहाँ यूटिलाइज करूँ, दैट इज एलिजिबल लर्निंग का ये मतलब है। अब हम बिलिंग में जाते हैं, सेटिंग्स के थ्रू जा सकते हैं या उससे पहले जो ऑप्शन आया था उसके थ्रू जा सकते हैं।
अब हम इसमें पैसे डालते हैं क्योंकि इसमें बैलेंस ही नहीं है तो ऐड रन नहीं करेगा। जैसे इसमें मिनिमम 500 है तो मैंने अभी 1000 कर रखे। इसमें आप मेक पेमेंट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कैंपेन रेडी हो गया है, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ये 2-3 घंटे में अप्रूव होगा, गूगल के पास जाता है अप्रूवल के लिए, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगा। और ये ऐड किस तरह से दिखाई देगा वेब पेज पे, ये देखिए। जैसे मैंने कार रेंटल सर्च करा, ये देखिए ऐड आ रहा है। देखिए नॉर्मल एसईओ के थ्रू भी आपकी वेबसाइट आ सकती है सर्च में, लेकिन जब ऐड देखते हैं और जितना बिडिंग लगाते हैं, जैसे उसमें हमने 5 रुपए लगाए एक क्लिक के, तो जितना ज्यादा बिडिंग लगाएंगे वो ऊपर रहेगा। ये दूसरा ऐड है जिसके साथ मोबाइल नंबर भी है, इसको बोलते हैं मोबाइल नंबर एक्सटेंशन। कई टाइप के एक्सटेंशन रहते हैं, चूंकि ये बेसिक कोर्स है तो इसमें आपको इतना ही मिलेगा, तो मैं आपको एक सिंपल एक्सटेंशन लगा के बता देता हूँ। इस पर क्लिक करिए, कैंपेन पे एड एन एक्सटेंशन पे जाएंगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, प्लस का बटन दबाएंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी इतने सारे सेट कर रखे हैं, आप यहाँ से सारी चीजें सेट कर सकते हैं। जैसे साइट लिंक एक्सटेंशन आ गया, कॉल एक्सटेंशन आ गया, तो जैसे कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करा मैंने, तो उसमें कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए आप और अपना मोबाइल नंबर डालिए, तो उसके थ्रू आप अपना कॉल का एक्सटेंशन, मतलब जब जब आपको ऐड दिखेगा तब तक कॉल का भी, मतलब वहां पे आपको लैंडलाइन या फिर मोबाइल नंबर दिखाई देगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपने इस वीडियो लेक्चर में सीखा, क्योंकि वेबसाइट पे जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा उस वेबसाइट का कोई मतलब है नहीं। इसीलिए गूगल एड्स काफी जरूरी है, और गूगल एड्स ही क्यों जरूरी है, क्योंकि 99.9% लोग गूगल सर्च करते हैं, और या किसी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो गूगल के जो पार्टनर एड प्रोग्राम चलते हैं उसके थ्रू आपको एड दिखाई देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।